चलो स्टार्ट करने का देखो कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में कब तक फर्स्ट पार्ट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस उसके पहले का जितना भी पार्ट है उतना हुआ है, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस उसके पहले जो भी पार्ट है वो हुआ है। अगर चाहिए तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? स्क्रीन कैसा है रे, क्लियर नहीं है क्या? बाकी लोगों को कैसा है? क्लियर है? क्लियर है? मटपदीप बंद करने के बाद ज्वाइन करो रहा, बाकी सबके लिए क्लियर है, तेरे लिए क्लियर नहीं है। बंद करके ज्वाइन कर एक बार, ट्राई कर। थोड़ा बीच बीच में कभी ब्लर होता है तो टेंशन मत लो, उतना होता है। नेट स्पीड भी प्रॉब्लम नहीं है, नेट का स्पीड भी अच्छा है, ठीक है? ओके वैष्णवी, क्लियर हो गया। चलो तो देखो, तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ है? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के पहले जो भी पार्ट है, टेम्परेचर डिपेंडेंस, कार्बन कोडिंग, सिंपल सिंपल पार्ट है। वो जे जे क्या, करंट डेंसिटी, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो वाला पार्ट हुआ है, सिंपल है, उस पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता नहीं है। उसके बाद है रेजिस्टेंस का पार्ट, अभी रेजिस्टेंस का पार्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है? चलो तो रेजिस्टेंस में, हाँ, सैटरडे एग्जाम है, और सैटरडे के एग्जाम में क्या आएगा? सैटरडे एग्जाम में, सैटरडे एग्जाम का सिलेबस क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना सिलेबस होता है उतना। सैटरडे एग्जाम का सिलेबस क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना सिलेबस होता है उतना। सैटरडे क्या करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी ही रखेंगे। सर्कुलर मोशन एक दो दिन बाद रखेंगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वेनसडे रखेंगे, सर्कुलर मोशन चलता है क्या? मैं सोच रहा हूँ क्या सर्कुलर मोशन का पेपर अलग रखेंगे, वेनसडे वगैरह रखेंगे, चलता है क्या? सबको अलग रहेगा तो अच्छा है ना। तुम्हारा बायो का कब होता नहीं बोलो तो, और दो पेपर अलग अलग रहा तो अच्छा है। सर तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रिपरेशन अच्छा होगा, सर्कुलर मोशन का प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं होगा ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। बायो का रोज है, सैटरडे एक पेपर, वेनसडे एक पेपर, ऐसा मैं बोल रहा हूं। सैटरडे एक पेपर लेने का और वेनसडे एक पेपर लेने का। तुम लोग बायो ही डेली दो तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बायो ही करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कब करोगे? ठीक है, वैसा चलता है क्या? हाँ तो ठीक है, सबको चलता है ना। सर्कुलर मोशन क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन वेनसडे करेंगे, वेनसडे। ये सैटरडे होने दो पेपर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, और सर्कुलर मोशन पे पेपर क्या करेंगे? वेंसडे करेंगे। नहीं, एक एक अच्छा प्रिपरेशन होने दो ना, एक एक टॉपिक अच्छे प्रिपरेशन होने दो। वेनसडे के लिए एक रखेंगे, सैटरडे के लिए एक रखेंगे, एक एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर होने दो एक पहली बार, उसके बाद फिर कंबाइन करके रखेंगे। फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे? एक पेपर में एक ही चैप्टर, ठीक है? नेक्स्ट में कंबाइन करेंगे ताकि अच्छे से प्रिपेयर करो। इस राउंड में क्या करो, पेपर टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करो। जो नए स्टूडेंट्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी उसमें से भी एकदम थोड़ा पार्ट हुआ है, अभी रेजिस्टेंस चालू है उसमें। सर्कुलर मोशन हुआ नहीं है, फिर भी जस्ट रिविजन के लिए उस पर पेपर रखा है। सर्कुलर मोशन में बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन जस्ट रिवीजन के लिए, ज्यादा रिवीजन हो जाए इसलिए उसके ऊपर पेपर रखा है, ठीक है?
सैटरडे पेपर, अभी क्या कर तू व्हाट्सएप पे भेज, मैं व्हाट्सएप पे आंसर भेजता हूँ तुझे वैष्णवी। सैटरडे पेपर का और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज, मैं व्हाट्सएप पे तुझे सॉल्यूशन भेजता हूँ उसका। भेजा है क्या? हाँ ठीक है, फिर आंसर एंड में बोलूँ क्या, लेक्चर के एंड में, थोड़ा एंड में मैं डाउट्स है क्या बोलता हूँ, तब मुझे याद कर, ठीक है? हाँ, एंड में मैं डाउट्स है क्या बोलता हूँ, तब मुझे याद कर, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करने का। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस स्टार्ट किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस स्टार्ट किया है, उसमें फर्स्ट क्या देखा था, पैरेलल और सीरीज का कंपैरिजन। चलो फुल अटेंशन अभी फुल इधर देखने का, और टेबल एंड चेयर पे बैठो, लेक्चर देखते वक्त टेबल एंड चेयर पे बैठो, बेड पे बिल्कुल मत बैठो। बेड पे बैठ के लेट के लेक्चर देखने का, उल्टा लेट के मोबाइल ऐसा लेके लेक्चर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? उससे अच्छा मोबाइल बंद करो, सो जाओ। पढ़ाई करना है अभी सिंसियरली, सब लोग सिंसियर हो, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, घर पे है तो बेड पे बैठ के देखेंगे, बेड पे सो के देखेंगे, ऐसा अच्छा प्रिपरेशन नहीं होगा। टेबल एंड चेयर पे बैठो, नहीं है तो फ्लोर पे नीचे जमीन पे चटाई डालो, उस पे बैठो, ठीक है? ये थोड़ा सुनो मेरा रिकमेंडेशन, बहुत काम करेगा। चलो आगे जाएंगे। होल पेपर का सॉल्यूशन बोलता हूँ मैं, कैसा करेंगे उत्कर्षा, होल पेपर का सॉल्यूशन क्या करते, मैं बोलता हूँ क्या करेंगे सॉल्यूशन का पेपर का, ठीक है? चलो तो देखो क्या है, तो रेजिस्टेंसेस चालू है, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में रिजल्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू फाइंड आउट रिजल्ट एंड रेजिस्टेंस, डायरेक्ट एडिशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल में हाउ टू फाइंड आउट रिजल्ट एंड रेजिस्टेंस, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज में करंट सेम, करंट इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पैरेलल में करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये होगा। उसके बाद सॉल्विंग पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फॉर ईच रेजिस्टेंस। उसके लिए क्या करने का, ड्रॉ रिजल्टेंट डायग्राम्स अंटिल वी गेट वन, ड्रॉ रिजल्टेंट डायग्राम्स अंटिल वी गेट वन रेजिस्टेंस एंड सॉल्व इन रिवर्स मैनर, एंड सॉल्व इन रिवर्स मैनर, उल्टा सॉल्व करने का, ठीक है? ये देखा। उसके बाद क्या चालू है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फर्स्ट सिक्स मेथड से टोटल, हाउ टू फाइंड आउट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, उसका सिक्स मेथड से, उसका फर्स्ट मेथड क्या है, नॉर्मल मेथड, जो नाइन्थ में किया था, जो टेंथ में किया था, वो वाला। क्या दो पैरेलल दिखते हैं, उनका रिजल्टेंट निकालो। दो पैरेलल का रिजल्टेंट निकालने के बाद वो और उसके बाजू में सीरीज में दिखते तो उनका रिजल्टेंट, तो दो 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 करके सॉल्व करने का फिर आंसर आता है, नॉर्मल मेथड। उसके बाद देखा व्हीटस्टोन्स, व्हीटस्टोन में क्या करने का, व्हीटस्टोन में क्या करने का, ऊपर की लाइन का रेजिस्टेंसेस और नीचे की लाइन का रेजिस्टेंसेस अगर रेशो में है, ऊपर के लाइन में रेजिस्टेंसेस और नीचे की लाइन में रेजिस्टेंसेस अगर रेशो में है, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को सर्किट में पकड़ने का ही नहीं, बीच वाला जो ब्रिज ब्रिज का जो रेजिस्टेंस रहता है फिफ्थ रेजिस्टेंस, उसको सर्किट में पकड़ने का ही नहीं, तो रिमेनिंग फोर का कैलकुलेशन करने का काम होता है अगर रेशो में है तो। अगर रेशो में नहीं है तो किरचॉफ यूज करना पड़ता है, वो बाद में देखेंगे। थर्ड मेथड हुआ, थर्ड मेथड क्या हुआ, समझो ऐसा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, ठीक है, फिर इधर एक है, इधर एक है, इधर एक है, ठीक है? चलो ऐसा इनफाइनाइट रेजिस्टेंसेस है, R1, R2, R3, C और D के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, C एंड D के बीच में, R1, R2, R3, R1, R2, R3, R1, R2, R3, ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप्स है, ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप्स है, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो कैसा निकालना, क्या फॉर्मूला देखा था उसका, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या फॉर्मूला देखा था,
रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ऊपर वाला प्लस नीचे वाला प्लस ये बीच वाला एंड ए रिजल्टेंट का पैरेलल कॉम्बिनेशन पकड़ने का, ऊपर वाला नीचे वाला प्लस ये बीच वाला एंड ए रिजल्टेंट इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन पकड़ने का, आर टू आर, आर टू आर अपॉन आर टू प्लस आर, बीच वाला एंड रिजल्टेंट इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन इधर लिखने का, इसको सॉल्व करने का फिर आंसर आता है आर मतलब रिजल्टेंट, इन सबका रिजल्टेंट मतलब क्या है आर, यहाँ का आर भी और यहाँ का आर भी वही है सेम है, ऊपर वाला इधर डालो नीचे वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू इधर डालो, नीचे नहीं है तो इधर जीरो, ऊपर नहीं है तो इधर जीरो और इधर का रेजिस्टेंस का वैल्यू इधर डालो, सॉल्व करने का आर का वैल्यू मतलब इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस रहता है, वो भी देखा था। अभी फोर्थ मेथड और एक डिफरेंट मेथड रहेगा, फोर्थ मेथड ये थोड़ा अच्छा मेथड है, देखो इसका क्या नाम दिया है मैंने, इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड, चलो नहीं लिखा तो लिखो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का मेथड, क्या है इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड, चलो लिखो इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड, इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड, इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड, लिखा इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड। देखो इस मेथड में क्या क्या करना है, इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड इस मेथड में क्या करना है, चलो थोड़े पॉइंट्स लिखो, मेथड एकदम इंटरेस्टिंग है, मेथड एकदम इंटरेस्टिंग है, चलो लिखो क्या है, नंबर वन, नंबर वन पॉइंट इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड लिखा, कैसे यूज करने का तो स्टेप्स लिखो उसका, स्टेप्स तो स्टेप नंबर वन क्या है लिखो, चलो ड्रॉ ड्रॉ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, चलो लिखो ड्रॉ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इक्विवेलेंट डायग्राम मेथड लिखा हेडिंग उसका स्टेप्स, नंबर वन स्टेप क्या है ड्रॉ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो नेम, नेम ऑल पॉइंट्स, नेम ऑल पॉइंट्स सब पॉइंट्स को नेमिंग करो, नेम ऑल पॉइंट्स, चलो लिखो लिखो इंपॉर्टेंट है अभी, ये किधर बुक्स में वगैरह नहीं मिलेगा, जितना एकदम इंपॉर्टेंट थ्योरी है उतना ही मैं लिख के दे रहा हूं, बाकी का थ्योरी एररलेस में पढ़ो या फिर डीसी पांडे में पढ़ो चलता है, एनसीईआरटी यूज नहीं करने का थ्योरी के लिए, डीसी पांडे पढ़ो थ्योरी के लिए या फिर एररलेस चलता है, और जो उसमें थ्योरी नहीं है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही थ्योरी में लिख के दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किधर नहीं मिलेगा ये वाला मेथड किधर मिलेगा नहीं, तो नंबर टू लिखो क्या, नेम ऑल द पॉइंट्स, नेम ऑल द पॉइंट्स, अभी पॉइंट मतलब क्या है तो लिखो उसमें ब्रैकेट करके, ये मेन नेम ऑल पॉइंट्स ये मेन स्टेप है, उसमें सब स्टेप्स ब्रैकेट के अंदर लिखो, पॉइंट मींस कॉर्नर, पॉइंट मींस कॉर्नर, नेम ऑल पॉइंट्स नीचे उसके पॉइंट मतलब, पॉइंट मींस कॉर्नर, नेम ऑल पॉइंट्स, पॉइंट मींस कॉर्नर, उसमें ही और एक ब्रैकेट करके, सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल मींस सेम पॉइंट, सेम पोटेंशियल मींस सेम पॉइंट, नेम ऑल पॉइंट्स, नेम ऑल पॉइंट्स, पॉइंट मींस कॉर्नर, नेम ऑल पॉइंट्स, पॉइंट मींस कॉर्नर, सेम पोटेंशियल मीन्स सेम पॉइंट, सेम पोटेंशियल मीन्स सेम पॉइंट,
सेम पोटेंशियल मीन्स सेम पॉइंट, ठीक है। चलो फाइनल पॉइंट, फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप लिखो। अभी फर्स्ट सॉल्व करते वक्त थोड़ा लेंदी लगेगा, फर्स्ट दो तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गया तो बहुत फास्ट आता ही है, ठीक है। चलो नंबर थ्री, नंबर थ्री एंड फाइनल स्टेप, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन। और ये इधर भी चलता है एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के लिए भी चलता है, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स, कैपेसिटर का प्लेट्स, प्लेट्स का कॉम्बिनेशन रहता है, उधर भी चलता है ये, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन, ठीक है। उसमें अभी सब पॉइंट्स, उसमें सब पॉइंट्स ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, बाय कंसिडरिंग, बाय कंसिडरिंग ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, बाय कंसिडरिंग ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन, फिर नीचे ब्रैकेट के अंदर, बाय कंसिडरिंग ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, बाय कंसिडरिंग ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, ठीक है। ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन बाय कंसिडरिंग ऑल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल। उसके बाद नीचे रीच, रीच एंड पॉइंट, उसके बाद में सब पॉइंट, स्टेप नंबर थ्री में और एक ब्रैकेट करो, रीच एंड पॉइंट एज फास्ट एज पॉसिबल, रीच एंड पॉइंट एज फास्ट एज पॉसिबल, रीच एंड पॉइंट एज फास्ट एज पॉसिबल। बढ़ाता हूं स्पीड धीरे धीरे, वैष्णवी टेंशन मत लो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता हूं। रीच एंड पॉइंट एज फास्ट एज पॉसिबल, ठीक है। हाँ धीरे 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 बढ़ाता हूं, टेंशन मत लो। रीच एंड पॉइंट एज फास्ट एज पॉसिबल। अभी थोड़े नए स्टूडेंट आते हैं, उनको मैच होने में फिर प्रॉब्लम होता है। हाँ थोड़े एक दो वीक जाने दो, स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलो तो देखो हो गया पूरा, लॉज लिख के हो गया, देखो लॉज लिख के हो गया। अभी देखो चलो, तो समझो अगर ऐसा न्यूमेरिकल है, समझो ऐसा वाला न्यूमेरिकल है, देखो ये, ऐसा न्यूमेरिकल है, नीचे से एक वायर गया है, ऊपर से एक वायर गया है। अब तुम लोगों को ये रट्टा ही होगा कि ये तीनों किस में है, बोलो पैरेलल में है क्या सीरीज में है। ये 3 ओम है, ये समझो 4 ओम है, और ये 5 ओम है। इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये नया मेथड है इसलिए इधर स्लो जाएंगे, जो पुराना मेथड है तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा उधर फास्ट जाएंगे। चलो तो ये ऑलरेडी पता होगा, बोलो कौन सा कॉम्बिनेशन में है, 3, 4 एंड 5, सबका आंसर आना चाहिए। सब लोग बोलो आंसर फटाफट कमेंट करने का, वडस्कर सबका कमेंट आना चाहिए। किसका है, पैरेलल है, किसका, ये तीनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल है, लेकिन पैरेलल कैसे है तुम लोगों को अभी पता नहीं होगा, कुछ लोगों को पता होगा लास्ट ईयर मैंने उनको पढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों को पैरेलल कैसा है पता नहीं होगा, रट्टा मारा होगा। तो देखो कैसा है ये पैरेलल कैसे आते हैं, देखो अभी, ठीक है। देखो पैरेलल कैसा आता है देखो अभी, तो फर्स्ट क्या करने का, देखो फर्स्ट क्या करने का, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम निकालने का। ये इजी है लेकिन डिफिकल्ट जैसे होते जाएगा तब ये मेथड बहुत और काम आता है। चलो देखो, ठीक है, देखो देखो
तो कैसा है देखो क्या है, मेथड क्या है, देखो अपना मेथड क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ड्रॉ इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यही डायग्राम वापस एक बार ड्रॉ करने का, यही डायग्राम रिपीट एक बार ड्रॉ करने का। तो ड्रॉ कैसे करना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करते वक्त फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, ड्रॉ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ड्रॉ किया, ए पॉइंट ड्रॉ इनिशियल पॉइंट एंड ड्रॉ फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या है, बी पॉइंट। ठीक है, देखो स्टेप वाइज देखो, ड्रॉ इनिशियल पॉइंट, ड्रॉ फाइनल पॉइंट। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, नेम ऑल पॉइंट्स। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, नेम ऑल पॉइंट्स, सब पॉइंट्स को नेमिंग करना है। और पॉइंट मतलब क्या है, कॉर्नर, हर एक कॉर्नर को नेमिंग करना है, हर एक कॉर्नर हर एक जंक्शन को नेम करना है। तो ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए रहता है, ये भी ए रहता है, क्यों, क्योंकि कंडक्टर पे पोटेंशियल सेम रहता है, कंडक्टर पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। पोटेंशियल खाने वाला, पोटेंशियल ड्रॉप करने वाला कौन रहता है, रेजिस्टेंस। तो एज लॉन्ग एज कंडक्टर है, पोटेंशियल क्या है, सेम। तो जो पोटेंशियल सेम है, जिधर जिधर पोटेंशियल सेम है, उसका नेमिंग क्या करने का, उसको एक ही नाम देने का। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट भी ए, इधर भी ए, ये भी ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, समझ रहा है। सिमिलरली ये बी है, तो ये पॉइंट भी बी, क्योंकि कंडक्टर है, सेम पोटेंशियल, मतलब सेम पॉइंट ही रहता है। तो इधर भी पोटेंशियल सेम, ये भी बी है, कंडक्टर है इधर तक, तो इधर भी पोटेंशियल सेम, ये बी, ये पॉइंट भी बी आता है, और इधर का पॉइंट भी बी आता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, ड्रॉ इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। सेकेंड, नेम ऑल पॉइंट्स, तो ए ए ए ए, बी 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 बी, नेम हो गया। तीसरा काम क्या है, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन। तीसरा, थर्ड काम क्या है, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन। सो वी विल ड्रॉ 3 ohm. 3 ohm इज इन बिटवीन ए एंड बी, 3 ohm इज इन बिटवीन, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी। तो 3 ohm किसके बीच में, ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में 3 ohm। ऊपर से ड्रॉ करने का, पहला रेजिस्टेंस ऊपर से ही ड्रॉ करने का, जैसे कि एज्यूम करने का सब पैरेलल ही है, तीसरे पॉइंट में दिया है ना, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन बाय एज्यूमिंग ऑल आर पैरेलल। पहला ऊपर से ड्रॉ करने का, और एक दूसरा है तो नीचे से, और एकदम बीच में से। तो ये हो गया। फिर 4 ohm देखो, 4 ohm इज इन बिटवीन ए एंड बी, 4 ohm भी ए एंड बी के बीच में, तो ए एंड बी के बीच में और एक 4 ohm, ये भी हो गया। अभी ये 5 ohm बचा, 5 ohm इज ऑल्सो इन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में 5 ohm भी है। तो तीनों रेजिस्टेंसेस क्या आया, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने का, 1/R = 1/3 + 1/5 + 1/4, ये यूज करके सॉल्व करने का। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो गया क्या, नेक्स्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे। चलो बोलो बोलो, ये अंडरस्टैंड हो गया क्या, रूल्स क्लियर है क्या, कमेंट करते जाओ फटाफट। तुम्हारा जितना फास्ट कमेंट आएगा उतना फास्ट मैं आगे जाऊंगा। हो गया, चलो लिख के ले लो, ड्रॉ करो डायग्राम। ओनली यस भेजा तो भी चलेगा, यस लेटर, यस भेजा तो भी चलेगा, OPQR यस, वो वाला यस भेजा तो भी चलेगा। चलो फटाफट ड्रॉ करो। चलो ओके, ऐसा आना चाहिए, हो गया कि होने के बाद इमीडिएटली बोलने का, डन। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट
जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं वो भी शायद तुमको पता होगा, लेकिन ये वाला रूल्स क्या करो, ये वाला रूल्स अप्लाई करने का ट्राई करो। ठीक है, ओके श्वेता, ठीक है। तो क्या क्या बोल रहा हूं मैं, अभी जो बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल वो ट्राई करो, वो भी तुम लोगों को पता होगा कैसा है, लेकिन डायग्राम अभी कैसा डायग्राम निकला वैसा डायग्राम आता है क्या, ट्राई करो। चलो, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इनिशियल पॉइंट को मैं लेता हूं सी, फाइनल पॉइंट को मैं लेता हूं डी। तो कैसा है, ये दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। सब रेजिस्टेंस है 6 ओम का है, 6 6 6 6 6 6, 6 का 6 रेजिस्टेंसेस है। चलो ट्राई करो, चलो ड्रॉ करके ले लो। बोलो कितना आंसर, बोलो अभी मुझे आंसर बोलो क्या आता है, आंसर बोलो क्या आता है। नहीं है, वडस कर, फर्स्ट नेम टाक ना तुझा, मला फर्स्ट नेम कळत नाही तुझा, शायद करेक्ट नहीं है, नहीं है, प्राची का भी गलत लग रहा है मुझे। ठीक है श्रद्धा, नहीं गलत, शायद गलत है आंसर, शायद नहीं पक्का गलत है। देखो कैसा करने का है, बाकी लोग बोलो, सिंपल है ये भी, ये भी एररलेस का न्यूमेरिकल है, सब बुक्स में रहता है, नॉर्मल न्यूमेरिकल है। चलो करने का इधर, चलो इधर करने का क्या, मेथड बहुत काम का है, मेथड बहुत काम का है, अभी जो मेथड बताया बहुत काम का है। ठीक है आकांक्षा, करेक्ट है, मेथड बहुत काम का है, बुक्स में नहीं मिलेगा, मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के निकाला है, खुद से मैंने डेवलप किया है मेथड, मेथड किधर बुक में नहीं मिलेगा। तो अच्छा मेथड है, मेथड यूज करके ट्राई करो। नहीं है उत्कर्षा, गलत आ रहा है। चलो ट्राई करने का इधर, चलो सब लोग अभी बंद करो, नहीं, सबका गलत आ रहा है। देखो इधर सब देखा, वैष्णवी तेरा आंसर भी देखा, नहीं सही है। चलो सब लोग अभी इधर देखो, मेथड फॉलो करने का, रूल फॉलो करने का आंसर आता है और डायग्राम भी एकदम अच्छा मिलता है। ठीक है चलो देखो, फर्स्ट रूल क्या है, फुल अटेंशन अभी इधर, चलो 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 फुल अटेंशन अभी इधर। फर्स्ट रूल क्या है, ड्रॉ इनिशियल पॉइंट, ड्रॉ इनिशियल पॉइंट सी एंड ड्रॉ फाइनल पॉइंट डी। ठीक है चलो, इनिशियल पॉइंट ड्रॉ किया, फाइनल पॉइंट ड्रॉ किया। सेकेंड काम क्या है, चलो देखो, चलो सेकेंड क्या है, अब करेक्ट है वैष्णवी, लेकिन देखो रूल देखो, अभी सेकेंड पॉइंट क्या है, जब मैं बोलता हूं तब अभी कैलकुलेशन बंद करो। सेकेंड पॉइंट, नेम ऑल पॉइंट, सब कॉर्नर्स को, सब जंक्शंस को नेमिंग करना है। सेम पोटेंशियल है तो सेम, सेम पोटेंशियल है तो सेम पॉइंट है, डिफरेंट अगर पोटेंशियल है तो डिफरेंट नेमिंग देने का। चलो तो ये सी पॉइंट है, तो दिस इज ऑल्सो सी पॉइंट, दिस इज ऑल्सो सी पॉइंट, दिस इज ऑल्सो सी पॉइंट, तो इसको मैं सी लिखता हूं, बस अभी इसके आगे तो सी जा नहीं सकता। ओके, दिस इज डी पॉइंट, तो दिस इज ऑल्सो डी, दिस इज ऑल्सो डी, दिस इज ऑल्सो डी, कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर पे पोटेंशियल सेम, सेम पोटेंशियल सेम पॉइंट, डी डी, ये भी डी है, ये भी डी है। ठीक है अभी ये डी नहीं रहेगा, इधर डी पोटेंशियल है, इधर का नेम डी है, तो रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत पोटेंशियल खाएगा, तो इधर का पोटेंशियल अलग रहेगा, तो इसको अलग नाम देना पड़ेगा, इसको मैं नाम देता हूं ई। समझ रहे क्या, इधर डी है ठीक है,
ये रेजिस्टेंस आया ना बीच में, रेजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल चेंज होगा, तो इधर अलग नाम देगा देना पड़ेगा, ये ई है तो ये ई है, ये ई है तो इधर का भी पॉइंट ई है, ये ई है तो ये ई है, ये ई इधर का भी पॉइंट ई है। समझ में आया नेमिंग, नेमिंग समझ में आया ना, सी 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 क्लियर, डी 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 क्लियर, रेजिस्टेंस आया पोटेंशियल चेंज तो इधर डी तो इधर अलग ई ई ई ई ई क्लियर, बस ऑल जंक्शंस को नेमिंग हो गया, सेकेंड स्टेप क्लियर, सेकेंड स्टेप क्लियर। अभी थर्ड करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन। चलो 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 देखो, थर्ड स्टेप में ड्रॉ रेजिस्टेंसेस वन बाय वन बाय कंसिडरिंग ऑल आर इन पैरेलल, सब पैरेलल है, कंसिडर करके ड्रॉ करने का नहीं आता, लेकिन जैसा है वैसा अच्छा डायग्राम आता है, लेकिन सब पैरेलल है ऐसा पकड़ के ही ड्रॉ करने का, ठीक है। चलो तो सिक्स, इधर सी ड्रॉ हुआ, इधर डी ड्रॉ हुआ, और कितना नया पॉइंट्स है, सी इधर है ड्रॉ ऑलरेडी, डी भी ड्रॉ किया है अभी, और कितना नया पॉइंट है, एक ही नया पॉइंट है, एक नया पॉइंट है तो ऊपर ले लो, अगर बीच में नया पॉइंट मिला, इनिशियल और फाइनल छोड़ के नया पॉइंट मिला एक ही तो ऊपर ले लो, दो मिला तो एक ऊपर एक नीचे, और तीन मिला तो एक ऊपर एक नीचे एक बीच में, तीन मिलता नहीं जनरली, दो ही मिलता है, तो एक ही नया पॉइंट मिला ई तो ऊपर लिया मैंने, ठीक है ओके। तो सिक्स ओहम इज इन बिटवीन सी एंड ई, सिक्स ओहम इज इन बिटवीन सी एंड ई, तो सी एंड ई के बीच में सिक्स ओहम, ये भी सिक्स ही है, दिस सिक्स इज ऑल्सो इन बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई के बीच में और एक सिक्स, तो ये लिया कंसिडर किया इसको भी, सी एंड ई के बीच में और एक सिक्स, ये सी है, ये पॉइंट सी है, ये भी पॉइंट सी है, ये ई है, तो ऐसा और एक लेता हूं मैं, ये भी सिक्स है, ये सिक्स है ना, इधर आया सी, सी एंड ई के बीच में और एक, ये सी पॉइंट है पूरा, ये ई पॉइंट है सी एंड ई के बीच में और एक, ये किधर है देखो, ये वाला रेजिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो इन बिटवीन सी एंड ई, दिस इज ऑल्सो इन बिटवीन सी एंड ई, और एक आया सी एंड ई के बीच में, तो ये सी है, इधर से कनेक्ट करो, इधर से इधर से इधर से कनेक्ट करो, पूरा सी ही पॉइंट है, सी एंड ई के बीच में और एक सिक्स, ये भी सिक्स, इधर का रेजिस्टेंस, चलो चलो इधर 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 का रेजिस्टेंस पहले देखो, पहले देखो, मैं करता हूं तब तुम लोग ट्राई मत करो, थोड़ा मेरा सुनो, ठीक है उत्कर्षा, ये कौन है प्राची, मैं जब कर रहा हूं तब तुम मत करो, इधर बस देखो, ये किसके बीच में है, ई एंड डी, ये किसके बीच में है, ई एंड डी, तो ई एंड डी के बीच में इधर का सिक्स, ये किधर है, ये भी ई एंड डी के बीच में, ये किधर है, ये भी ई एंड डी के बीच में, तो ई एंड ई एंड डी के बीच में और एक सिक्स है, ये वाला भी, ये वाला भी सिक्स है, तो ये सिक्स 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 पैरेलल है, टू आएगा, ये भी सिक्स 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 पैरेलल है, टू आएगा, ये पूरा टू एंड ये टू सीरीज में आता है, तो टू प्लस टू कितना होता है, फोर बनता है, ये पूरा और ये पूरा सीरीज में आता है, इनका रिजल्टेंट निकाला तो कितना आता है, टू ई पॉइंट तक इनका रिजल्टेंट टू, और ई के बाद इनका रिजल्टेंट टू, तो ये टू एंड ओ टू कितना होता है, फोर, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, चलो लिखो फटाफट, ये डायग्राम निकालना इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से अंडरस्टैंड करो, डायग्राम कैसे निकाला वो अंडरस्टैंड करो, हो गया। चलो बाकी लोगों का हो गया क्या ड्रॉ करके, बोलो फटाफट मुझे,
चलो और एक ट्राई करो, और एक ट्राई करो सेम मेथड से, स्लो जाओ चलेगा। अभी अभी मेथड नया है तुम लोगों को अभी पता चला है, तो नया स्लोली करो चलेगा, लेकिन करेक्ट करो धीरे धीरे, एकदम सुपर स्पीड आता है। ये लगता है लेंदी है लेकिन कुछ लेंदी नहीं है, एक बार प्रैक्टिस होने के बाद बहुत स्पीड से काम होता है। ठीक है चलो, देखो कैसा है अभी। चलो कैसा, चलो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मली है, इससे और डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन करो ये भी करो। 10 होल्ड है, इधर 4 ओहम है, ये भी 4 है, नीचे भी ये भी 4 है, ये भी 4 है। चलो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए। अभी इधर बैटरी आया है, हमेशा इसके पहले वाले न्यूमेरिकल्स में बैटरी नहीं था, तो बैटरी के आगे पीछे पॉइंट्स पकड़ो, इधर एक पॉइंट पकड़ो ए, इधर एक पॉइंट पकड़ो बी, मतलब ये इनिशियल पॉइंट एंड ये फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां से करंट स्टार्ट होता है, फाइनल मतलब जिधर करंट फाइनली पहुंचता है। लेक्चर अगर बंद हुआ तो वापस एक बार ज्वाइन करो, 40 मिनट्स हो गया है, बंद हो जाएगा लेक्चर। लेक्चर बंद होने के बाद वापस एक बार